इसमें दो चीजें हैं, एक तो पहले जो गोविंद जी कह रहे थे जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हाईवेज के लिए, तो हाईवेज निर्माण का जो टारगेट है पहले वाला तो पूरा नहीं हुआ है जी। हमारे यहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन का दर है वो 20 किलोमीटर एक दिन में है, जिसको सरकार ने बढ़ा करके 40 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया है। तो जिस रफ्तार से सड़कें बन रही हैं उससे नहीं लगता है कि ये टारगेट अचीव हो पाएगा। अगर टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा तो फिर जॉब क्रिएशन उतना ही पीछे रह जाएगा। चीन हमसे रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत आगे है जी। हम आपको आंकड़े तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन लगभग दो गुने का फर्क है। दूसरी चीज जो आपने जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट ने इसका स्वागत किया, तो आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ा है जी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं वो उस तेजी से नहीं बढ़े हैं जिस तेजी से स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, इनके स्टॉक्स बढ़े हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक राहत मिली है जी। रोड मैप क्या होगा? रोड मैप अब उन्होंने कह दिया कि भाई बैंक्स जो हैं वो मार्केट से बोरो करेंगे। एमएसएमई के लिए स्टिमुलस का क्या फॉर्म होगा वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है जी।